नमस्कार सभी को। तो आज हम मल्टीप्लाई गुना करना सीखेंगे। बिल्कुल एक आसान ट्रिक है भाई, ऐसी संख्याओं की हम गुना करेंगे जो बिल्कुल 100 के नजदीक होती है, 100 से कुछ कम होती है और 100 से कुछ ज्यादा होती है। तो बिल्कुल ट्रिक बिल्कुल आसान है और आप मल्टीप्लाई करना सीखें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। तो हम जैसे नंबर लेते हैं 100 के नजदीक, अगर कोई नंबर है जैसे 95 लेते हैं, 95 गुना हम 96 गुना करेंगे, हम 95 के साथ हम 96 के गुना करेंगे। अगर हम नॉर्मल गुना करते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं, काफी समय लगता है उसको करने में, लेकिन ट्रिक का टाइम है तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलो हम कैसे करेंगे, ये सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमने 95 को मतलब 96 से गुना करेंगे, 95 को हम 96 से गुना करेंगे, 95 को हम 96 से गुना करेंगे। और जैसे ये देखेंगे हम 100 से कितना कम है, ये नंबर जो 100 से कितना कम, ये 100 से कितना 5 कम है। अब ये 96 देखेंगे, 96 100 से कम कितना है, 4 कम है, ये 4 कम है, तो इसको हम माइनस में रख लेते हैं। किसमें रखेंगे, माइनस में, 100 के नजदीक है। अगर 100 से ऊपर संख्या आती तो उसको हम प्लस में रखेंगे, 100 से कम संख्या आती तो उसको हम माइनस में रखेंगे। तो देखो ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 4 कम है। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों की हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 के साथ हम 4 की गुना करेंगे, 5 चौके 20 आएगा। देखो माइनस माइनस की अगर हम गुना करते हैं तो प्लस में आंसर आता है, माइनस माइनस की अगर हम गुना करते हैं तो प्लस में आंसर आता है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब ये देखेंगे 95 में से अगर हम 4 घटाते हैं, 95 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास 91 बचेगा। चाहे इस नंबर से ये नंबर घटा हो, चाहे 96 में से हम 5 घटाएंगे, 96 में से हम 5 घटाते हैं तो भी 91 बचता है, और 95 में से हम 4 घटाते हैं तो भी 91 बचता है। तो उस 91 को हम यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर ये आएगा। अब हम अगला नंबर लेते हैं। अब जैसे हम लेते हैं 93 गुना 97। ये देखो 100 से कितना कम है, ये 100 से 7 कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 3 कम है। अब हम इन दोनों डिजिट की हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो माइनस माइनस किस में आएगा, माइनस माइनस से प्लस में आएगा, 7 या 21। अभी हम इन दोनों की गुना करेंगे, 7 या 21। अब देखो इसमें से घटाएंगे हम, 93 में से हम 3 को घटाते हैं, 93 में से हम 3 को घटाएंगे तो 90 बचेगा, और 97 में से हम 7 को घटाएंगे क्योंकि ये प्लस की संख्या है, ये हमारे पास किसकी है, माइनस की संख्या है, तो कितना बचेगा इसमें, 90 बचेगा, इसका आंसर ये आएगा। अब हम जैसे अगला नंबर लेते हैं, अब हम 91 लेते हैं, 91 गुना 95। अब देखो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 9 कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 5 कम है। अब देखो हम इन दोनों नंबरों की क्या करेंगे, हम दोनों नंबरों की हम गुना करेंगे, 9 5 कितना 45, माइनस माइनस की हम गुना करते हैं, किसमें आता है, प्लस में आता है। अब देखो इसमें से हम घटाएंगे, 91 में से हम 5 घटाते तो हमारे पास कितना बचता है, 86 बचता है, और इसमें से कितना बचेगा, कितना इसमें 86 बचेगा, और इसमें से हम घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा, 86 बचेगा, तो उस 86 को हम यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर ये आएगा। अगर ट्रिक दोस्तों अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। और तो चलो हम कुछ नंबर और लेते हैं, तो बिल्कुल आसान ट्रिक है और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, और आप कमेंट कर जरूर बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। तो हम अगला नंबर लेते हैं। अब हम 100 के ज्यादा जो बड़ी संख्या होती है उसको लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ 105 लेंगे, 105 गुना 104 लेंगे। अब देखो ये 100 से कितना है, 5 ज्यादा है, ये 100 से 5 ज्यादा है, ये 100 से 4 ज्यादा है। अब हम इन दोनों की क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 चौके कितना 20 आएगा, 5 चौके 20। अब 105 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 104 में हम 5 जोड़ेंगे 109, तो उस 109 को हम यहाँ लिख देंगे, है ना गजब की ट्रिक। तो इस प्रकार हम बड़ी संख्या है अगर 100 से कम है तो उसको हम माइनस में ले जाएंगे, 100 से बड़ी संख्या तो उसको हम प्लस में ले जाएंगे। तो अगली संख्या लेते हैं हम। अब जैसे हमारे पास है 109 गुना 110। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 9 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 10 ज्यादा है। तो अब हम इन दोनों की क्या करेंगे, गुना करेंगे, 10 नीम कितना आएगा, 90 आएगा। अब अगर 109 में 10 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, 110 में हम 9 जोड़ेंगे तो 119 को हम यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर ये आएगा। तो इस प्रकार हम जो संख्याएं 100 से कम है और 100 से ज्यादा है तो उसको
मल्टी ऐसे कर सकते हैं। अगर वीडियो आप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वॉच वीडिंग वीडियो भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।